नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC GD 2011 के बारे में। तो जैसा आपको पता है, 20 अगस्त को आपका फैसला आया था, तो उसमें बताया गया था कि कैंडिडेट को 3 महीने के अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या आपको करना क्या था, आपको SSC में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं जो विभाग है वहाँ पर, और नियुक्ति किसे मिलेगी, तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, लेकिन आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द करें, आपके पास कितना टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट आती है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है, आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं 2018 की, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएँ, हम आपको ज्वाइनिंग तक सारे अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। तो दोस्तों, आपका जो हाई कोर्ट का अपडेट मैंने आपको 20 अगस्त को दिया था, उसमें मैंने साफ साफ बता दिया था, और मैं आपको एक फिर दोहरा देता हूँ। आपको जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, जैसे जिन कैंडिडेट के जैसे कट ऑफ थी, तो कट ऑफ में काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट थी कौन सी कट ऑफ, तो जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें जिन कैंडिडेट्स के नंबर उस कट ऑफ से ज़्यादा हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको नियुक्ति दी जाएगी, ये साफ साफ बताया गया था। और उसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको 4 हफ्ते के भीतर SSC जो विभाग है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, तो उसमें क्या है, आपको एक बार वहाँ संपर्क करना है, SSC का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या संपर्क करना है। तो डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने, आपको एक तो जो आपकी कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ, उसकी कॉपी लेकर जानी, ताकि आप उन्हें बता सकें कि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, ठीक है। और दूसरा, कोई भी जो आपके पास जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आप साथ लेकर जाएं और उन्हें ज़रूर से ज़रूर जमा करा दें। फिर आपको क्या है, मेडिकल की डेट दी जाएगी, और मेडिकल होने के बाद उन्होंने बोला है 3 महीने के अंदर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, मतलब 3 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, नियुक्ति वो अपने हिसाब से करेंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का क्या था, वो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए, मैं बोला हूँ आप जाइए, लेकिन जो ये चीज़ है, आप जो ये डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर जमा करा दें। अदरवाइज़ जैसे आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में यही बोला जाएगा कि आयोग ने मान लिया था कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको आयोग ने मान लिया था, और उसके हिसाब से उन्होंने ये चीज़ प्रकाशित कर दी थी कि कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाएगी। तो आप इसके लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूर जमा करा दें, उसके बाद आपको हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें होगा ये कि आप दोषी पाए गए तो फिर आपकी नियुक्ति नहीं होगी। क्योंकि होगा क्या कि जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए हैं, और आयोग ने बोला है कि 4 हफ्ते के भीतर आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, और फिर आपको मेडिकल की डेट दी जाएगी, फिर आपकी नियुक्ति होगी, तो आपको वो काम ज़रूर पहले कर लेना है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ मांगी जाएगी कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो आपने अभी तक नहीं कराए हैं, तो फिर आपको कैसे नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति के लिए आपका बोल दिया गया था। तो इसमें क्या है, कम से कम अपनी तरफ से क्लियर होना चाहिए, तो आप क्या है डॉक्यूमेंट जमा करा दें। तो इसमें अगर आप जैसे नियुक्ति नहीं मिलती है आपको, तो इस चीज़ के लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट जमा करा चुके हैं, ठीक है। और आप वो भी उसके लिए कोर्ट कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें, जो भी आपका स्टेप है, तो जैसे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ के लिए कोर्ट कर सकते हैं कि जो है आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, तो जिसके ऊपर आपका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको जो एक काम करना है ये आप ज़रूर कर लें, जैसे आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, फिर आपको मेडिकल की डेट दी जाएगी, अगर आयोग ये नहीं करता है तो फिर उसके हिसाब से एक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपकी ये डाउट भी क्लियर कर दूँ, जैसे कैंडिडेट्स का ये डाउट था, मेरे इतने नंबर उन्होंने कमेंट किया था, तो आप जो है कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ क्या, जो आपकी फाइनल लिस्ट थी उसमें आप चेक करें, अगर आपके जैसे कट ऑफ है उससे फालतू नंबर है तो आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। इसमें 58 नंबर 62 नंबर का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करा दें। अभी एक बार SSC के हेल्पलाइन नंबर लेकर वहाँ कॉन्टैक्ट करें कि आपको कहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, किस टाइम जाना है, तो वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर जमा कराएं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेडिकल की डेट दी जाएगी, उसके बाद नियुक्ति की जाएगी। अगर ये स्टेप वो फॉलो नहीं करता आयोग, तो उसके बाद आपके पास कम से कम रिकॉर्ड रहेगा कि हमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो जो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 1 हफ्ता शायद निकल गया होगा, 20 तारीख से 1 हफ्ता तो नहीं, 4 दिन मैं बोलूँगा निकल गए हैं, तो इसमें क्या आपके पास 3.5 हफ्ते का टाइम अभी बचा है, तो आपके पास 3.5 हफ्ते का टाइम है, तो आप इस काम को जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है।
तो आप इमीडिएट इस काम को कीजिए जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, लेकिन दोस्तों लाइक ना करें तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने जी डी 2011 के फॉर्म नहीं भरे, तो किसी कैंडिडेट की हेल्प हो सके जिनको नौकरी की ज़रूरत है और जिन्हें 2011 में ये दो SSC GD 2011 के लिए एलिजिबल है, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, कम से कम उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।